द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा करो। दोनों जाएगा मत। अश्वत्थ एक की रक्षक केवल एक। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा महाभारत का एक महत्वपूर्ण चरित्र है। उन्हें द्रुपद राज के पुत्र द्रोणाचार्य और कृपाचार्य का पुत्र माना जाता है। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में कौरव की सेना का एक महान योद्धा थे। उन्होंने बड़ी संख्याओं में पांडवों की योद्धाओं का वध किया था और युद्ध के अंत में कई महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी भूमिका रही है। अश्वत्थामा की प्रमुख कहानी में उनका ब्रह्मास्त्र प्रयोग है, जिसे वो महाभारत के युद्ध के अंत में प्रयोग करते हैं। इसी प्रयोग के लिए अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी होता है और उसे विपक्षी सेना के लोग रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ता है। उसके बाद उन्हें श्राप द्वारा आजीवित का वरदान दिया गया था। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता। समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। जिसे कुछ संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया गया है। इसके बावजूद उनकी वास्तविक स्थिति और उनकी अस्तित्व के बारे में भी विभिन्न प्रसंग और धार्मिक ग्रंथों में विवाद है। अश्वत्थामा का चरित्र महाभारत में एक रहस्यपूर्ण और महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा महाभारत के कई प्रमुख चरित्र में से एक है। उनका जीवन काफी रहस्यमय है और उनका मृत्यु या जीवित रहने के बारे में कई प्राचीन विश्वास भी है। विशेषकर महाभारत में अश्वत्थामा को अमरत्व का श्राप दिया गया था। उन्हें वर्तमान समय तक जीवित रहने की शक्ति मिली थी। कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा अजीब है और कभी मर नहीं सकते थे, जबकि कुछ अन्य विचार इसके लिए इनके खिलाफ है। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर कई संस्कृत और हिंदी ग्रंथ में भी दी गई है, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति का लेकर विभिन्न प्रसंग है। कलयुग और अश्वत्थामा के बीच का संबंध हिंदू धर्म में भी विशेष रूप के प्रस्तावित है। अश्वत्थामा का अमरत्व। महाभारत की युद्ध में अश्वत्थामा को अमर बनने की श्राप मिला था, इसलिए वो कलयुग में भी जीवित रहते हैं और उनके प्राचीन पाठों के अनुसार अंतिम अवतार के समय तक जीवित रहेंगे। इस रूप में उनकी अस्तित्व की कलयुग के चारित्रिक और विशेषताओं के साथ जुड़ी हुई है। कलयुग में धर्म का विनाश होगा और अधर्म का प्रतिष्ठा होगा। इसके बीच अश्वत्थामा की कथाएं उनके युद्ध के परिणाम के माध्यम से धार्मिक और नैतिक संघर्ष का दर्शाती है, जो कलयुग के साथ संबंधित है। कलयुग में धर्म की कमी और मानवीयता की असमर्थता के बीच अश्वत्थामा के अमरत्व का विचार भविष्य की ओर एक नया संजीवनी हो सकता है। वो एक प्रकार की न्याय और कर्म के संबंध में संवेदनशीलों की बनाए रखते हैं, जो कलयुग के समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अश्वत्थामा की चरित्र और उनके अमर अस्तित्व ने कलयुग की विशेषताओं के बारे में विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। अब तक अश्वत्थामा कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारे घटनाएं सामने आई हुई, लेकिन उसके बारे में स्पष्ट तरीके से कोई प्रमाण नहीं मिला है।